Hello, in this part I will discuss the next part of intrauterine device, that is hormone releasing was in the previous lecture. So another hormone releasing intrauterine device is LNG20, which is very famous among women. This LNG20 is levonorgestrel. And it is a type of progesterone. It is a type of progesterone which is released daily approximately 20 microgram in female, and it prevents contraception. So another intrauterine device is LNG20. Levonorgestrel is the type of progesterone which it secretes daily approximately 20 micrograms, so it is called LNG20. Next contraceptive device is oral pills. Oral pills are also hormone containing tablets which are taken orally. Two types of oral pills are available: daily pills and weekly pills. Daily pills and weekly pill. Okay, so daily pills जो daily लेना है 21 days तक लेना होता है, और weekly pills जो week में एक बार लेना होता है. ये oral pills estrogen progesterone combination हो सकते हैं या only इसमें progesterone हो सकता है. Progesterone estrogen combination के हो सकते हैं या सिर्फ इसमें प्रोजेस्टेरोन हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ डेली पिल इज, कॉमन एग्जाम्पल इज मालाडी. एंड वीकली पिल विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सहेली. इट इज नॉन स्टेरॉइडल एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक्सेट्रा आर स्टेरॉइड्स. इट इज नॉन स्टेरॉइडल ऑरल पिल्स. It is obtained from centrochromin. It is obtained from a chemical centrochromin, which is non-steroidal chemical, and is taken orally once in a week. It was prepared Central Drug Research Institute, Lucknow. CDRI, Lucknow में इसको तैयार किया गया. तो ये डेली पिल्स है जिसको 21 डेज तक लेना होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं. और ये वीकली पिल है जिसको एक दिन लेना होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट सहेली है, नॉन स्टेरॉइडल है, सेंट्रोक्रोमेन नाम के केमिकल से डिराइव करते हैं. CDRI लखनऊ में इसको डेवलप किया गया था. ठीक है, दोनों चाहे कैसा भी पिल हो फंक्शन कैसे करेगा, जैसे हमारा हार्मोन रिलीजिंग फंक्शन करता है, जो फंक्शन हार्मोन रिलीजिंग का है सेम फंक्शन यहाँ पर होगा कि ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए सही नहीं रहने देता है. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये चेंज कर देता है, और इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, जिसके कारण जो स्पर्मेटोजोआ है वो स्पर्मेटोजोआ एंटर नहीं कर सकता. इसके अलावा ये ऑरल पिल्स एलएच सर्ज को भी चेंज करता है. कैसे ये पिल्स काम करते हैं, तो मोड ऑफ एक्शन कैसा है, ऑरल पिल्स चेंजेस द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ड्यू टू विच एंडोमेट्रियम बिकम्स अनसिटेबल. एंडोमेट्रियम बिकम्स अनसिटेबल, बिकम्स unsuitable for implantation. Second, changes the nature of cervical mucus.
changes the nature of cervical mucus, changes the LH surge or LH receptors. जिसके कारण पॉपुलेशन सही से नहीं हो पाता। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ओरल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन को कर पाता है, ये कॉन्सेप्शन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या? तो इम्प्लांट्स स्किन के नीचे इंसर्ट किया जाता है और ये भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, ये इम्प्लांट्स भी वैसे ही काम करता है जैसे ये हार्मोन रिलीजिंग पिल्स करते हैं। लास्ट इज इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एंड दिस इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज सर्जिकल मेथड। लास्ट इज सर्जिकल मेथड, ये इरिवर्सिबल है, यानी बेहतर बर्थ कंट्रोल मेजर नहीं है। एक बार अगर आपने सर्जिकल मेथड को एडॉप्ट किया तो फिर से वापस प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। सर्जिकल मेथड इरिवर्सिबल मेथड है और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, मेन टेस्टिस और ओवरी, इनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। टेस्टिस का सर्जिकल रिमूवल कहलाता है कैस्टरेशन, एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ओवेरिस्टोमी। वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को लेकर जाना, इस वास डिफरेंस को इस कट एंड लाइगेटेड, इसको कट करके लाइगेट कर देते हैं। इस प्रोसेस के कारण स्पर्मेटोजोआ नहीं पहुंच सकता, ऐसे पेनिस से होकर निकल नहीं सकता। ये प्रोसेस कहलाता है वैसेक्टोमी। और फेलोपियन ट्यूब, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड लाइगेटेड प्रोसेस कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। प्रोसेस कहलाएगा ट्यूबेक्टोमी। सो ये हमारा सर्जिकल मेथड है जो इरिवर्सिबल है, यानी अब एक बार सर्जरी कर देने के बाद बहुत मुश्किल है कि फिर से वो अपने जो कॉन्ट्रासेप्शन हो गया था उनका, वो फिर से अब वो कॉन्सेप्शन के लिए तैयार नहीं हो सकता। ओके okay?